लद्दाख एक्सप्रेस में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। मैं मोहम्मद मूसा। आज गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल के जानिब से एक जुलूस निकाला गया, जो कि गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी से निकलते हुए डीसी ऑफिस पर धरना ख़त्म किया गया। तलबात का कहना है कि उनके स्कूल के तीसरा मंजिल नहीं बनाने दिया जा रहा है, और साथ ही साथ कुछ तनाज़े की वजह से स्टूडेंट्स आज रोड पर धरने पर निकला है। डिप्टी कमिश्नर सिरिंग मोटुप ने कहा, हम स्टूडेंट का एक कमेटी बना के उनके बात सुनेंगे और बहुत जल्द इस पे एक्शन लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। कुछ सीधे डीसी ऑफिस के बाहर धरने पे लिए चलते हैं। बने रहिए लद्दाख एक्सप्रेस के साथ। हमें देने के लिए कहा था, आज आखिरी करने के लिए खसांगों के नाम पे, हालांकि उसमें खसांगों का कोई भी लोग नहीं है। खसांगों के काम उनके मोहल्ले के बड़े से बड़े दिग्गज लोग स्टूडेंट से मिलने के लिए आए। उन्होंने क्लियर कहा कि इसमें तीन बंदे के अलावा और खसांग का कोई नहीं है। यहाँ पे जितने भी लोग आश्रय देने के लिए आते हैं, जितने भी लोग आश्रय देने के लिए आते हैं, वो कभी की दूर दराज इलाके से आता है। खसांग के नाम पे 2014 को सीसी कारगिल को लेटर दिया गया। लेटर को कॉपी यहाँ पे दे दो, लेटर कॉपी तुम दो सीसी के नाम पे। सीसी को 2014 में लेटर दिया गया है हाजी हुसैन बाबा और लियाकत अली के नाम पे। उसमें ये कहा है, तो सुनो अच्छे से पढ़ो, आप लोग भी पढ़े लिखे लोगे। उसमें ये कहा है कि ये जगह हाई सेकेंडरी जो पीछे है, वो कहा कि वो फुलर जू में, समझने की बात करो, उसके कहते हैं कि वो फुलर जू में। फुलर कहाँ से आएगा? नीचे अस्पताल पर है सेंटर भी, फुलर कहाँ से आएगा? कौन सा है चक्का बोला? हम यहाँ पे लेकर बताओ, लेकर बता कर चलो कल हाई सेकेंडरी को ब्लॉक बना 14 मरला सही अहमद शाह से खरीदा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ने गिफ्ट नहीं दिया गया है, खरीदा गया है, इसका पेमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हैं खसरा नंबर 1408 पे ब्लॉक बना 14 मरला है। शांति से सुनेंगे, कोई भी शोर नहीं करेगा, आराम से, बिल्कुल शांति से। फातिमा पानो नाम का ये है जो अभी यहाँ पे नृत्य कर रहा है, और मेरे हम आपके साथ, ठीक है, हम आपके साथ हैं। जो भी मसला हो पहले हम, अगर आप लोग इस तरह शोर करेंगे ना, समझ में नहीं आएगा। हम आपके मसले हल करना चाहते हैं और दिल से हल करना चाहते हैं। डीसी साहब अभी नहीं है, मैं एडीसी हूँ, आप सबको मैं अपना तारुफ बता दूँ। तो हम, आप हमारे बच्चे हैं, तो जो भी मसला है, ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको धरना लगाना पड़े। ये डीसी साहब के हाथ में है जो हमारे नोटिस में आया है। तो आप लोग लेकिन इस तरह से अगर प्रदर्शन करेंगे, आपका जो नेता लीडर है वो दो चार लोग यहाँ पे बात करेंगे, हम समझेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे और 100% हम आपके फेवर में डिसीजन लेने की पूर्व कोशिश करेंगे। हाँ, आपका कंस्ट्रक्शन रुका गया, जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, PWD हो या विभाग हो, जो भी हो, हम उनसे रिपोर्ट लिखित में ले लेंगे क्यों आप बोल रहे। दूसरा, हम जो सबसे ले लेंगे तो रिकॉर्ड का जो इसमें जो मुझे आगे दिया गया है, एक पर लैंड रिकॉर्ड, इसको रिस्टोर किया जो रिव्यू रिकॉर्ड में होगा, हम उसी हिसाब से। तो आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोगों को ये काफी मुश्किल हुआ है, तब जाके इस हद तक आपका प्रोटेस्ट बैनर लगा के आप लोगों को तकलीफ उठाना पड़ा है। लेकिन ये मसला ऐसे नहीं है तो हल नहीं हो। डीसी साहब है हमारे, ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ साहब है, सबको विश्वास पे लेके हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी 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 हमारे पास मसला आया है और इस सूरत में तो हमें पहले ये जो हंगामा वाला सिचुएशन है इसको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। तो मैं आज के नेता या दूसरा प्रेसिडेंट जो आते हैं, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं, आप चार पांच लोग जितने भी, जितने स्टूडेंट का भी हो, और एक पैनल बनाइए, चार या पांच, आप सब शोर करके ना आपका बात समझेंगे ना हमारा बात सुनेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं रिक्वेस्ट दिलाता हूँ, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सारा
ध्यान आप लोग सेटिस्फाइड ये हो सकता है, फिर आप ये वाला रास्ता एक्टिव कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फिर कौन सा ले पुलिस आपके साथ है, ठीक है। तो अभी मैं पांच लोगों को पहले मेयर मरला हल समझूंगा, फिर डीसी साहब के सामने रख के अब एक दो घंटे का मौला देगी तो हम बुलाएंगे। इसमें डीसी साहब को बुलाना है, एसीआर साहब को बुलाना है, तहसील साहब को बुलाना है और ठीक है सर। इसी साथ आपने पांच पेयर का बात किया, तीन हमारे अंदर हैं उनको लेके आए और दो हमें आते देंगे। पांच तीन हमारा मेंबर पुलिस ने विदाउट एनी नोटिस यहाँ अभी बरू से उठाया है उन तीन को ना, और हमारे यहाँ से घर से दो जाएंगे, पांच हो गए एक नहीं ज्यादा नहीं। आप ये पांच बाकी स्टूडेंट का भी आप लोग सात तक हो सकता है, ठीक है। ये मुझे पता नहीं है पुलिस ने किस लिए इनको अरेस्ट में दिया है, लेकिन ये मैं एस एडीसी अगर डीसी साहब नहीं है तो मैं आपको यकीन अभी मैं अगर आप लोग पाँच या सात तक का आप लोग एक पैनल बनाओ जिसमें जो बात को समझते हो, जिसको पूरा इस एपिसोड का जानकारी हो, क्या आपको मुश्किल आते हैं, वैसा पाँच पैनल जिसमें स्टूडेंट भी हो वो आके हम आज बात करेंगे डीसी साहब के सामने, हम भी बैठेंगे। तो मैं अगर ये आप मान लेते हैं ना, मैं अभी आपके जो पुलिस ने जिस सेक्शन के अंदर जो पकड़ा हो मैं उसको छोड़वा देता, वो आपको वादा करता हूँ अभी छोड़वा देता। लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि ये बात, क्योंकि ये मामला इस तरह से नहीं होगा, बात करने के बाद कि आपका डिमांड पूरा नहीं होता है तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको भी पता है उस तरह से होता है ना, पहले बात करके कैसे। डीसी साहब आज हम यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए आए थे, हालांकि पुलिस को हमने कल शाम बड़ी मिशन नदी को लेकर चला कर पैर पर दिया था कि हम सिंगल रूप से जा रहा है, कोई ट्रॉफिक स्टॉप नहीं होगा, हम डीसी ऑफिस में जाकर डीसी को अपने मनोरंजन के वापस जाने वाला था। यूं पूछ गया तो पुलिस ने इसको हंगामा क्रिएट किया, हमने नहीं किया। सिंगल रूट में था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को एसएसओ बाजार जो है उसको क्वारंटीन दिया गया है, उसका कॉपी भी हमारे पास है, हम आपको सबमिट कर सकते हैं। आप पैनल में हमारे वही बंदे बैठेंगे जो चौकी में बैठे, उनको ना हम पैनल में उनकी पर देंगे। आप लोग जो इन्होंने बताया अभी, एक तो उनको हम सुनवाएंगे, दूसरा पैनल में जो नाम आप देंगे वही बैठेंगे, ठीक है ना। दूसरा आज ही हम डीसी साहब के सामने आप लोगों के पैनल के साथ काम करेंगे। तो अगर आप इस तरह से मानते हैं और निर्भर होते हैं, सुनो अगर खोते हैं तो मैं ऐसे जो सबको अभी मैं वो मेरा जिम्मा है ना, हाँ ठीक है, नहीं नहीं वो आएंगे यहाँ, वो अभी लेंगे सर माई का जरा तो बोल रहा हूँ वो बोलेंगे अभी वो दाग मिले कुछ देर आ जाए या क्योंकि नासिक में आ जाएंगे। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान से दिमाग में रखो, ये मसला बात करने से होता है, हल्ला गुल्ला करने से नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर हल्ला गुल्ला कर स्टेज आएगा आपने लेवा, ठीक है ना। ये वाला मकसद नहीं, भागी भागी जो पुलिस है सर, पुलिस को आप पुलिस का ड्यूटी है लाइन मेंटेन अदा करना, ऐसे तो पता नहीं इसी का साथ ये नहीं है कि पुलिस स्टूडेंट का दुश्मन है, ऐसा कोई नहीं है, ये आपका सहायक है, ठीक है। तो ये इस सिचुएशन में ये हालत पैदा हुआ है तो अभी हम ऐसे तो साहब को या इसी साहब को बता के उनको छुड़वा देते हैं। तो लेकिन टाइमिंग जो है वो पीछे साथ तो पूछ के मैं आपको बुलाता हूँ, इतना में आ जाऊँगा आप इस बात को। विश्वास होने की बात ये है, हम विश्वास जितना आप जल्दी करना चाहेंगे विश्वास हम उतना जल्दी विश्वास हो जाएंगे, है कि नहीं। उनको ला जो जो जा जा वो जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा, उसके बाद आपका पैनल मेंबर हम बस के यहाँ से चले जाएंगे, है कि नहीं। जब तक प्रेसिडेंट और जम्मू का प्रेसिडेंट और हमारा तीसरा जो जो डिप्टी होंगे इन तीनों को यहाँ पे नहीं आता है, कोई मसला नहीं बनता है। अभी तक मेरे साथ कैमरा लाइन पे जुड़े थे मोहम्मद इरफान और सकीना बानो, मैं और मेरे टीम को इजाजत दी।